नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट्स चैनल इंडिया पे आज हम लोग औषधीय वनस्पति जंगली पेचकी के बारे में जानकारी लेते हैं। जंगली पेचकी बहुत ही दिव्य औषधीय मित्रों, वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है ना, और इस प्रकार से इसके जो कंद रहेंगे इस प्रकार से रहेंगे, देख लीजिए है ना। ठीक है, जंगली है, जंगली पेचकी ऐसा रहेगा इसकी अवस्था में, और इसका पत्तियाँ भी इस प्रकार से रहेंगे। और इसका जो औषधीय प्रयोग किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ इसके बारे में। ये दो प्रकार से होता है, छोटे को पेचकी बोलते हैं, बड़े को साकिन कंदा बोलते हैं। बड़े और दोनों में से कोई कंदे में खुजली जैसे प्रकरण होते हैं, परंतु ये जंगली पेचकी है, इसमें किसी प्रकार से खुजली या कंद छूने से जो इन्फेक्शन हो जाता है उस प्रकार से इसमें नहीं होता है मित्रों, है ना। जंगली पेचकी के इसको बोला जाता है ना। तो अब इसके बारे में औषधीय गुणों के बारे में बता दे रहा हूँ। इसे कंद का प्रयोग लोग गठिया का रोग है ना, लकवा जैसे बीमारियां, और जो जोड़ों का दर्द होता है वो इसमें इसका औषधीय प्रयोग करते हैं। दूसरा, साधारण सा ज्वर बुखार है ना, सूजन, चोट मोच, कर दर्द, अरुचि, भूख प्यास न लगना, इस प्रकार से बीमारी में इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है मित्रों, है ना। और इसका जो पत्तियाँ हैं इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से जो लिखा रहा हूँ, इसका पत्तियों को लोग सुखा के इसका लोग चूर्ण बना लेते हैं, और उसका ज्वर बुखार में प्रयोग करते हैं, या फिर लू लगने में प्रयोग करते हैं, या फिर कहीं विषैला जख्म जो होता है, जख्म जो आपके हमेशा मवाद बने रहते हैं जिन जख्मों पर, उन जख्मों के लिए भी ये रामबाण औषधि है मित्रों। और इसके बाद औषधि प्रयोग और बता दे रहा हूँ, जैसे ज्वर बुखार, चर्म रोग है ना, पेट की खराबी, कब्ज, गैस, जोड़ों का दर्द, लकवा, इस प्रकार से बीमारियों में इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से भी आज के विषय में था जंगली पेचकी। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।